दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। आपने दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा कि ज़्यादातर लोगों के साथ आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे साथ प्रैक्टिकली मैनुअल फ्रॉड जिसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में, वो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं दोस्तों आज उसी फ्रॉड के बारे में आपसे बात करने के लिए कैमरे के सामने लाइव हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दीपक चंद सती है और मैं हल्द्वानी में रहता हूं। मैं पेशे से टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करता हूं। मेरे साथ हमारे टैक्सी स्टैंड भुटिया पड़ाव हल्द्वानी टैक्सी चालक मुस्लिम युवक नाम सुहेल सिद्दीकी उर्फ बंटी के द्वारा अपने परिचित के बारे में बताकर कि वह आपको सरकारी नौकरी लगा देगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेता है, यह कहकर मुझसे 1,65,000 रुपये अपने परिचित व्यक्ति के खाते में डलवा दिया गया। और जब मैंने अपने मुस्लिम भाई से यह बात बोली कि अपने नौकरी के लिए तो बोला, लेकिन आप लोग मेरे को क्यों टाल रहे हैं, तो दिन पर दिन ये लोग मुझे तारीख पे तारीख देते रहे। और मुझे जब शक हुआ तो मैंने दोस्तों काठगोदाम थाने में इन दोनों की, जो इन्होंने धोखाधड़ी करी है मेरे साथ, इसकी शिकायत मैंने काठगोदाम थाने में ऑनलाइन उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से करी, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरी शिकायत काठगोदाम थाने में 3 महीने से चल रही है, लेकिन पुलिस क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। और जब मेरी बात पुलिस से होती है तो पुलिस मुझसे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने वो ये बात एडमिट तो करता है कि मैंने इस बंदे से 1,65,000 रुपये लिए हैं, पुलिस के सामने वो ये बात एडमिट करता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस उसके घर पर जाती है और ये बात सुनती है और सुनने के बाद वापस आ जाती है। तो दोस्तों ये बहुत सहमाने वाली बात है, इसमें इंसान का दिल टूट जाएगा कि अगर थाने में आपकी कंप्लेन 3 महीने से लंबित पड़ी हुई हो और पुलिस वाले उस पर कार्यवाही ना करें और पुलिस उस पर अपने कानूनी कार्रवाई जो होती है, जो उचित कार्रवाई होती है, उस पर उचित कार्रवाई ना करें, तो कितना ये दुखद विषय है। तो दोस्तों मेरी जो कंप्लेन है वो 3 महीने से लंबित पड़ी हुई है। मुझे दुख है इस बात का कि पुलिस उस पर आगे या तो FIR करे या उस पर आवश्यक कार्रवाई करे। तो मैं दोस्तों आप लोगों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाएं, ताकि जिस इंसान पर आप भरोसा करते हैं उस इंसान को आप इस तरीके से कभी पैसा ना दें और मेरी मदद करें, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं, एक मिडिल फैमिली से मैं भी रहने वाला हूं, मैं भी डेली कमा करके डेली अपनी फैमिली को पालने वाला इंसान हूं। आज मेरे साथ इस तरीके की हरकत हुई है, कल किसी और के साथ भी हुई होगी, परसों किसी और के साथ भी हुई होगी, पता नहीं न जाने कितने मामले ऐसे हैं जो आज भी ऐसे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो मैं श्रीमान कप्तान साहब जो हमारे हल्द्वानी के SSP साहब हैं मीणा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप काठगोदाम थाने में मेरे नाम की अगर आप कंप्लेन देखेंगे तो 3 से 3.5 महीने से लंबित पड़ी हुई कंप्लेन है, आप तुरंत इस पर कार्रवाई करके मुझे उचित न्याय देने की कृपा करेंगे। और दोस्तों आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आने वाले कल में कभी किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से मैंने ये दिखा दी है, बाकी आप खुद समझदार हैं, गलत क्या है सही क्या है ये आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलता हूं आपसे, अभी ये एक दुखद मेरी व्यथा थी जो मैंने आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताना चाहा, लेकिन फिर मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टाटा।